سی آرام کہہ کر چلے بالی تنے پلویر پک پرہا سے دوڑ کر لنجا دام کدوار کیا پرویر ترد ہے پرہری بے سود پہار لگے نرکھ رے پریم سے سری لکشمن رگویر باکا باکا بلوالا پتوالا ہاتھی کی نائی چلتا تھا رڑ جنگی جودھا جھوک جھوک سیخوں کی ہاتھی درستا تھا راون کے سود سے انایا جاتے جاتے مجھ بھیڑ ہوئی آدم نہ کیا کچھ اندت نے بس کسی بات پر چھیڑ ہوئی پہلے کچھ چھیڑی پھانکے کر کے اس نے اس بھانتی ویرام کیا ہے درد کہاں تو جاتا ہے کچھ کیوں کیوں نہیں پرنام کیا میں راجپور ہوں یہاں کا بوٹی بوٹی بچوا دوں گا تیری ابھیدرتا کا پرتیفل پرتی ذکر تجھے چڑھا دوں گا انگزارا ہوئے کیا ایک پرہار پٹکا اس کو بھومی پر چھڑ بھر ویشن تھا کر ناری بھائی کھیت تھے بند کیے گھر دوار کھانٹوں پاٹوں سب کھانٹوں میں سرزٹ ماتر حق کے بات چلے لنکا میں پھر پہلے جیسے آ پہنچا بچنگ ورے انگزت کی کیسے بھاگ جمی چھایا سے اس کی درد تھے سر وقت نساجر کسی پرکار انگت کی چرچا کرتے تھے اس بود راج کے دنوں نے سب دیکھا سنا با خان لیا اس بوش سوابر خوان کے سرے جنگ سے سرپان کیا مہاراج بنکیل کی جائے ہو Yeah.
Yeah.
يا شوتي فادر نے سچ اسی لگتا دہن کیا
मालिक के बेटे क्या पानी पी ले अन्यथा तुझे चक्कर आ जाएगा पानी पी ले की इस नंबर एक और प्रहार ¡Gracias!
हमारे बीच ज्ञानी जी गुरुद्वारा अंकलेश्वर से पधारे हुए हैं। मैं हमारे मुख्य अतिथि श्री विजय कुमार गोखले सर से आग्रह करूंगा, कृपया उनको उनका साल से स्वागत करने की कृपा करें। यह हमारा 47वां साल की रामलीला का मंचन हो रहा है, पीछे युद्ध की तैयारी हो रही है, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे थोड़ा क्षमा याचना कर लूं और अपने बारे में बता दूं। यह रामलीला 1977 से लगातार चलती आ रही है। मैंने यह रामलीला लगभग 79 या 89 से देखना है, ये 79 या 80 से लगभग देखना चालू किया था। तब मैं 12-13 साल का था, उस समय भी दर्शकों की संख्या इसी प्रकार थी और रामलीला के कलाकारों का उत्साह बढ़ाने के लिए लोग अपने घर से कुर्सियां और चार पाइयां तक लेके आते थे कि बूढ़े हो लेट जाएंगे और कोई अगर बैठ नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास इतनी अच्छी सुविधा नहीं थी। आज हमारी समिति इतना सक्षम है कि आप सभी दर्शकों के लिए अच्छी अच्छी सुविधाएं दे रही है। मैं 1980 की बात कर रहा हूं, जब यहां से अंकलेश्वर आने जाने के लिए कोई साधन नहीं था, लोग पैदल आते थे, मैं भी पैदल आता था। लगभग मैं 6वीं-7वीं क्लास में पढ़ता था। हम 5 भाई बहन थे, पैदल आने में दिक्कत होती थी तो मैं साइकिल से 3 चक्कर लगाता था, अंकलेश्वर से यहाँ छोड़ता था और अंकलेश्वर यहाँ से फिर रात को 3 चक्कर मारता था और रामलीला दिखाने के लिए लेके आता था। तो यह देखिए कि आज जो बच्चा वहाँ बैठ के 40 साल पहले रामलीला देखता था, आज वह बच्चा रामलीला का संचालन कर रहा है। मैं यह इसलिए बता रहा हूँ कि कल यहाँ जो बच्चे बैठे हैं उन्होंने ध्यान से देखा, उनकी इच्छा हुई तो इनमें से वही बच्चा कल यहाँ पर आके मंच का संचालन करेंगे। यह रामलीला को उठाने के लिए बहुत से कई लोगों का योगदान है। आज ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ नहीं हूँ। इस रामलीला को चलाने के लिए बहुत लोगों ने प्रयास किया है, बहुत से आज इस पृथ्वी पर नहीं है, बहुत से लोग स्वर्ग सिद्धार्थ चुके हैं। स्वर्गीय श्री बहुगुणा जी पोखरियाल जी अभी 2 वर्ष पहले उनकी देहांत हुआ, श्री त्यागी जी, हंसराज वैद्य जी, मदन मोहन खंडेलवाल जी, कई लोगों ने इस रामलीला को आगे लाने के लिए, इस मंच को बनाने के लिए अपने खून तक बहाए हैं। एक बार बहुत जल्दी में रामलीला कर रहे थे, जब क्या मंच बनाया कच्चा कच्चा था, दीवार गिर गई और कई लोगों को चोट आई, कई लोगों को यहाँ पे टाके आए, लेकिन कलाकारों ने फिर भी कहा भले हमारे सिर में टाके हैं, हम रोल जरूर करेंगे। तो यह रामलीला के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति प्रस्तुत करते हैं। मैं यह बताऊं कि यहाँ हमारे जो कलाकार हैं ये कोई प्रोफेशनल नहीं है, ये सभी हमारे बच्चे हैं और ये बच्चों को हम 1-1.5 महीना सिखाते हैं कि वह कुछ और काम छोड़कर यहाँ पर आए, लेकिन एक चीज आज वो नहीं छोड़ सकते, मोबाइल। अगर हम रिहर्सल कराते हैं तो एक आदमी उधर बैठ जाएगा मोबाइल लेके, एक आदमी उधर बैठ जाएगा, रोल आएगा तब ढूंढता है अरे भाई कहाँ है वो कलाकार। यह मोबाइल एक ऐसी चीज है कि हमारे बच्चों को थोड़ा धार्मिक कार्यों से दूर करती जा रही है। मैं अधिक बातें ना करते हुए मैं अपने अधिशासी निर्देशक एवं परिसंपत्ति प्रबंधक परम आदरणीय श्री गोखले साहब से विनती करता हूं कि हमारे लिए 2 शब्द आकर के हाथ।
धन्यवाद देशनाथ जी। रामलीला समिति के श्री अमिताभ सिंह जी और सभी सदस्यगण, आदरणीय श्रोताओं, ज्ञानी जी, मंच के रामलीला के अध्यक्ष कलाकार, हमारे संगीत से जुड़े हुए सब लोग और सभी उपस्थित सज्जन, सन्नानिया और प्यारे बच्चे, एक काफ़ी हर्ष का विषय है कि रामलीला समिति गत 47 वर्षों से लगातार रामलीला का यह मंचन करती रही है और खुशी हमें इस बात की होती है कि इस मंचन से हम अपने देश के सभी नागरिकों को और खासकर विशेषकर से हमारे बच्चों को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के जीवन के संबंध में सभी जानकारियां देते हैं और उन्हीं की तरह बनने की प्रेरणा देते हैं। गांधी जी के सपनों में भी जो था नाम स्वराज्य था, उसमें राम राज्य की कल्पना थी और राम राज्य की कल्पना का उद्देश्य ये था कि सभी लोग साथ मिलकर रहें, एक साथ रहें और सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करें और सभी लोग खुशहाली हों। ये तभी संभव है कि हम अपने आप में प्यार बांटें, अच्छे अच्छे सद्गुण अपने अंदर लेके आए और इन सब को सीखने के लिए हमें जितने हमारे संस्कार हैं और हमारे सनातन धर्म की संस्कृति से जो जो चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं उन पर ध्यान दें, एक दूसरे के साथ बांटते रहें। जैसा देशराज जी ने बताया, सब लोग मोबाइल में तो बिजी रहेंगे क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जाती है तो हमको भी समय के साथ चलना पड़ता है, पर निश्चित रूप से उस टेक्नोलॉजी को भी हम यूज़ कर सकते हैं अपने अच्छे विचारों को बढ़ाने के लिए। हम यदि हम मोबाइल में गाने सुन सकते हैं तो निश्चित रूप से भजन भी सुन सकते हैं, पर हम लोगों को उसके लिए पसंद निर्माण करनी पड़ेगी, उस लोगों के लिए लोगों को एक तरह के उद्देश्य बनाना पड़ेगा कि हम किस तरह से इस टेक्नोलॉजी को अपने फायदे के लिए यूज़ करें। अंत में मैं अपनी ओर से रामलीला मंचन करने वाले सभी कलाकारों को और सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ, एक इतने अति उत्कृष्ट परफॉर्मेंस के लिए बधाई देता हूँ कि वो लोग इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं और भले ही आप कहते हैं कि प्रोफेशनल नहीं है, मुझे तो लगता है ये प्रोफेशनल से कुछ आगे बढ़कर ही है। एक बार जोरदार तालियां हैं कि परफॉर्मेंस के लिए। आप आगे भी इसी तरह से ये रामलीला का मंचन करते रहे और ये आयोजन करते रहे और जैसा आपने कहा कि धारावाहिक प्रवाह तभी होता रहेगा जब कुछ लोग निकलते रहेंगे और कुछ नए लोग उससे जुड़ते रहेंगे। ये जो परंपरा है इसी को कायम रखना हमारा सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि देशराज जी आगे भी अभी तरह के लोगों को और ढूंढेंगे, किसी और देशराज को ढूंढेंगे और उसे इस लायक बनाएंगे कि आगे भी वो इस कड़ी को जारी रखे। एक बार फिर मेरी ओर से रामलीला के सभी कलाकारों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। एक बार ईडी साहब की ओर से बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय, पति महादेव की जय। कितनी आवाज आई कि माइक फीका पड़ गया। संजय भाई वो मेले का माइक थोड़ा कम कराओ, बार बार बोलना पड़ा तो थोड़ा और डाउन करो। बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन।
जाके पूती संजीवन को लाए कोई
बोले पर्वत पे जाए कोई जाके भूति सजीवन बुलाए कोई सूर्य उगने से पहले सूर्य उगने से पहले नहाए कोई तो लकड़ी लाल दाम निकल जाएगा सूर्य उगने से पहले पिछले दृश्य में आपने देखा